आप कहो शकील बदामी सलाद टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे मौजूद है जो कि लाहौर पंजाब से इनका ताल्लुक है मांगा मंडी से, तो इन्हों को पूछने कि इतने जो दूर दराज इतने मेहमान आए हैं साढ़े कोल तो उन्होंने की खातर तबाजो करते पे ने, उन्होंने चीज़ा सारिया मुयसर करते पे ने या परेशानी हैगी इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बाबा ये दसना इतने लखा की तादाद ने हज़ार इतने बड़े दूर दूर दराज इलाकों तो आए ने, तो ये जो परदेसी है इन्होंने की खिदमत करते पे हो? खिदमत भाई साहब कर रहे हैं, पजाते दो दरोई पजाते रोटी खाना पीना कोई की इंतजाम? कोई इतने खलोन दे खाना पीना बंदा खाए जे खलोन ही कोना दे। अच्छा। कभी बाहर ले जाओ कभी अंदर ले जाओ। तो तुसी इन्हां नाल की तावन करदे पे हो? इन्हां नाल कोई इन्हां दे उठ क्यों नहीं सेल हो रही, की वजह हैगी? एक हफ्ता हो गया ते अजे तक एक उठ भी नहीं फरोख्त होया। जो मांगी है इधर वो सस्ते लेते हैं, ये उठ बैठा ये। अच्छा। ये 5.5 लाख का मैं आप लिया। अच्छा। इधर किधर बेचा 3-4 का? तो तुसी 5.5 लाख लिया तो कम से कम 6 लाख तो बेचना चाहिए, देखना चाहिए खर्चा खुर्चा भी है। तो की पैगाम देना चाहते हो उन्होंने? कोई पैगाम दवो इन्हों की बच्चे इन्हों की सहूलत वास्ते, कोई जो परदेसी लोग आए ने उन्होंने उठ ज़्यादा तो ज़्यादा सेल हो जाए विक जा ताकि अपने घर जा खुशियां मनान उ जो है ईद दियाँ कपड़े जुतियां छुतियां लैके देन इतने की तुसी पैगाम देना चाहते हो? रोजी लभे दे गरीब उस वेच के सिंध अपड़ जा जे इन्हों पलों पैने ने इन्हें ना सिंध जाना ना कि इन्हें इतने बैठा रहना फिर इतों गड्डी पाऊँ दे फिर भाई के इस दौर के अंदर जो है वो ऊँट की कम है। अक्सर लोग यहाँ के एक हफ्ते से यहाँ पे आए हुए हैं ऊँट लेकर के, अभी तक उनके जो है जानवर फरोख्त नहीं हो रहे। पीछे महंगे मिले हैं 5-5 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, इस तरह 7-8 लाख तक ऊँट है। तो वो जो कस्टमर आते हैं वो रेट जो है वो इनके 50% से भी कम लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये मजबूरी के तहत जो है वो अपने ऊँट नहीं बेच पाते। तो लिहाजा जो यहाँ पे ऊँट चाहिए कि मुनासिब रेट लगाए तो ताकि ये इनकी भी रोज़ी रोटी बन जाए और आप चले और ऊँट की जो कुर्बानी है नहीं है। अब सल्लम ने फरमाया कि ऊँट की जो कुर्बानी है वो सबसे बड़ी कुर्बानी है तमाम कुर्बानियों में से। तो इसके साथ ही मैं आपको शकील बदामी सलाद टीवी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।